Okay, I ordered this tripod table lamp. It came in this big box और इसके अंदर एक ये छोटा बॉक्स था. मैं इसकी पैकिंग ऑलरेडी खोल चुकी हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी द वे दे हैव सेंट, वेरी नाइसली पैक्ड. ओके, सो इस वाले में इसका ये लैम्प शेड है, सो इट्स जूट मटीरियल. ओके, एंड देन बल्ब इज ऑल्सो गिवन, और ये बल्ब ये डब्बे से खुद बाहर निकल के आ गया एक्चुअली, बट बल्ब उठाने से क्वालिटी वाइज बहुत हल्का लग रहा है मुझे. बाकी अब चलाने भी पता चलेगा कि चलता है कि नहीं चलता. एंड देन इफ आई शो यू दिस स्टैंड, इट्स अ वुडन स्टैंड, ट्राइपॉड लैम्प है. तो मैं इसको खोलती हूँ और फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कैसा दिखता है. तो आप देख सकते हो पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, अच्छे से इसको थर्माकोल में पैक किया है ताकि इसके होल्डर को कोई नुकसान ना पहुँचे. ओके, मैंने इसकी पैकेजिंग को खोल दिया है. नाउ यू कैन सी दिस इज़ द वुडन स्टैंड एंड द होल्डर इज़ इन द थर्माकोल. तो लुक वाइज वेरी नाइस, क्वालिटी वाइज लुक्स गुड. अब बस ये देखना पड़ेगा चला के कि चलता है कि नहीं. और दूसरी चीज़ एज यू कैन सी दीज कारपेट्स ऑल्सो, दीज ऑल्सो आई हैव गॉट फ्रॉम अमेजोन. सो मैं शायद दोनों रखूँ या एक रखूँ. आई एम स्टिल यू नो थिंकिंग कि मुझे दोनों रखना है या एक रखना है. और एक मैंने ये भी ऑर्डर किया था जूट रग, बट मैंने प्लेन ऑर्डर किया था, बट उन्होंने मुझे गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया. तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस कर दिया है. सो ये कल पिकअप हो जाएगा. सो दिस इज़ द वे इट कम्स. दिस इज़ द लोअर पार्ट विदाउट शेड एज ऑफ नाउ. मैंने इस होल्डर को इसके साथ फिक्स कर दिया है, इट्स नॉट मूविंग. तो थोड़ा सा यहाँ चैनल में घुमाया तो ये ठीक से फिट बैठ गया. अभी मैं इस पे लैम्प का शेड लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ. सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल. बहुत अच्छा लुक दे रहा है मेरे रूम को. दिस इज़ समथिंग आई वॉन्टेड. मैं अब इसका प्लास्टिक हटा सकती हूँ. वुडन क्वालिटी जैसा मैंने बताया बहुत अच्छा है. चलिए बात करते हैं इसकी खामियों की. मुझे इसमें तीन खामियां नज़र आई जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है, दैट मीन्स जिनको बहुत ही इजीली इग्नोर किया जा सकता है और जो मैं इग्नोर करने वाली हूँ. पहला, ये डिस्कलरेशन, ये स्पॉट. दूसरा, इसको रबर सपोर्ट नहीं देना. लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, जब तक इसको फ्लोर पे रखा है ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं अपने बेड साइड टेबल पे रखती हूँ जो वुडन का है, और अगर मैं इसको मूव करती हूँ कभी सफाई करने के लिए, तो दैट मीन्स ये वहाँ स्क्रैच मार्क्स छोड़ सकता है. तो इसके लिए पहले मुझे वहाँ पे एक टेबल क्लॉथ स्प्रेड करना पड़ेगा. तीसरी चीज़, अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस लेग का कलर इन दोनों लेग से थोड़ा सा अलग है. एज आई सेड, दीज आर द माइनर थिंग्स विच कैन बी इग्नोर्ड. और वैसे भी वो लेग अगर मैं पीछे करके रखूँगी तो वैसे भी नहीं दिखाई देने वाला. मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये सेम प्रोडक्ट अमेज़न पे अलग अलग सेलर्स के पास अवेलेबल है. तो जिस सेलर से मैंने इसको परचेज़ किया वो सबसे कम प्राइस पे था, समथिंग अराउंड 1149 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. द लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट यू कैन चेक. सो अलग अलग सेलर्स है, अलग अलग प्राइस है, और मैंने सबसे कम प्राइस वाला परचेज़ किया. मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही मुझे लग रहा है कि कोई डिफरेंस था. और ये जो माइनर इश्यूज़ मैंने मेंशन किए बहुत नेग्लिजिबल है, इसके चलते ना मैं इसको रिप्लेस करने वाली हूँ ना रिटर्न करने वाली हूँ. मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है, आपके घर के किस कॉर्नर पर ये अच्छा लगेगा, आप अब विजुलाइज कर पाएंगे. कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट एंड आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं आया. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन.